Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Rugby College, University of Allahabad. And I have already discussed with you the concept of quartile deviation and standard deviation. And in this video, I am going to discuss how to compute quartile deviation for ungrouped and grouped data. So the lecture will be in bilingual mode and it must be useful for your various competitive teaching examinations as well as for your subjective BA, MA and BA, DMIT papers. So first of all, for grouped data, for grouped data, from the grouped data, quartile deviation can be computed by the formula. कह रहे हैं कि जब हमको वर्गीकृत आंकड़ा मिलेगा तो हम कैसे निकालेंगे चतुर्थांश विचलन. हमसे पूछा जाएगा कि ये आंकड़ा दिया गया है, इससे आप चतुर्थांश विचलन की गणना कीजिए. तो हमने आपसे डिस्कस कर लिया कि Q इज इक्वल टू होता है Q3 यानी कि 75वां जो स्थान है से 25वां स्थान को घटा देंगे और 2 से भाग दे देंगे. इसी को सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं. जो Q3 माइनस Q1 है इसको इंटर क्वार्टाइल रेंज कहते हैं. तो हमको Q1 और Q3 पता हो तो हमको Q पता चल जाएगा. क्यों? क्योंकि Q3 में से Q1 को घटा के 2 से भाग देना है. अब Q1 का फॉर्मूला ये है और Q3 का फॉर्मूला ये है. देखिए, अगर आपको मीडियन का फॉर्मूला याद हो तो ये उससे मिलता जुलता है. Q1 इज इक्वल टू L प्लस, देखिए कहाँ गया कर्सर, इस कर्सर, Q1 इज इक्वल टू L प्लस I, ब्रैकेट में है N/4. क्यों N/4? क्योंकि हमको Q1 निकालना है. Q1 क्या होता है? 25वां स्थान है ना, क्योंकि हमने पूरे जो डेटा है उसको चार भागों में बांट दिया है, 25% 25% 25% 25%. तो पहला 25, इसलिए हमने N/4 लिया है, माइनस कम FI, ये वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है आपका, अपॉन FQ. उसी तरह से Q3 जब निकालेंगे तो पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा, बस चूंकि हमको 25वां निकालना है तो हम 3N/4 करेंगे, तभी तो 75वां आएगा. ये 1N/4 था. जब Q2 निकालेंगे तो 2N/4 आएगा, इसका मतलब N/2, तो यही मीडियन का फॉर्मूला होता है. और Q3 निकालेंगे तो ये 3N/4 हो जाएगा. देख लीजिए आप N/2, ऐसे करके मीडियन का फॉर्मूला से चेक कर लीजिए इसको. तो Q1 इज इक्वल टू L plus I N/4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन FQ. Q3 इज इक्वल टू L plus I 3N/4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन FQ. सो वेयर L इज इक्वल टू द एग्जैक्ट लोअर लिमिट ऑफ द इंटरवल इन विच द क्वार्टाइल फॉल्स, यानी कि जिस वर्गीकृत आंकड़े में आपका क्वार्टाइल आएगा द एग्जैक्ट लोअर लिमिट, उसकी हमको लोअर लिमिट चाहिए, है ना. हमको पता है कि अगर 10 से 20 ऐसे होता है तो 9.5 होती है लोअर लिमिट. अगर 19 से 29 है तो 20 से 30 है तो 19.5, इस तरह से चलेगी, है ना. फिर आई क्या है? द लेंथ ऑफ द इंटरवल, लेंथ ऑफ द इंटरवल वर्ग अंतराल आई है. एल का मान हो गया जो हमको लोअर लिमिट मिल गई उस वर्ग की, वो एल है. आई क्या है? वर्ग अंतराल है. एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. हमेशा मैंने आपको बताया एन हमेशा क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही होंगे. और कम एफ आई क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अप टू इंटरवल विच कंटेन्स द क्वार्टाइल, यानी कि जिस वर्ग में क्वार्टाइल आ रहा है, प्लीज लीव द रूम, जिस वर्ग अंतराल में क्वार्टाइल आ रहा है उसके पहले तक की हमको संचयात्मक आवृत्ति, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. अभी आप देख लेंगे आगे के टेबल में कैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है. एंड FQ, द F ऑन द इंटरवल कंटेनिंग द क्वार्टाइल, यानी कि जिस वर्ग में चतुर्थांश है उसका क्या फ्रीक्वेंसी है, वो FQ हो गया. उसके पहले तक की जो संचयात्मक आवृत्ति है वो कम FI हो गया. I क्या हो गया? लेंथ ऑफ द इंटरवल हो गया. L क्या हो गया? जो है वो लोअर लिमिट ऑफ द इंटरवल हो गया. एंड ठीक है, तो ये फॉर्मूला है. आप इससे Q1 निकाल लीजिए, उससे Q3 निकाल लीजिए, ढंग से बंद करो. Q1 निकाल लीजिए, Q3 निकाल लीजिए और फिर Q आपका आ जाएगा. जब Q3 Q1 के हमको मान पता चल जाएंगे तो Q का मान ऑब्वियसली आ जाएगा. क्यों? Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 करना है बस. फिर सॉरी ये वाला स्लाइड उधर होनी चाहिए थी, कोई बात नहीं. पहले अनग्रुप डेटा देख लेते हैं. ग्रुप डेटा का फॉर्मूला तो देख लिया, ग्रुप डेटा का हमको एग्जाम्पल बाद में मिलेगा. या पहले लीजिए उसका एग्जाम्पल ही देख लेते हैं, फिर अनग्रुप देख लेंगे. तो हम बात कर रहे थे ग्रुप डेटा की, है ना. तो ये हमारे पास ग्रुप डेटा है, बाद में अनग्रुप पे लौटते हैं.
तो ग्रुप डेटा कहाँ से, ये देखिए 140 से 144, 145 से 149, 150 से 154, ऐसे करते करते 195 से 199, ये हमको वर्ग अंतराल दिए गए हैं, ये हमको उनकी आवृत्तियां दी गई हैं, 1, 3, 2, 4, 4, ऐसे करके। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि संचयात्मक आवृत्ति कैसे निकालते हैं, देखिए जोड़ते जाएंगे, एक है तो ये एक ही रहेगी क्योंकि इसमें जोड़ने के लिए कुछ नहीं है, फिर एक में तीन जोड़ दीजिए चार आ गई, चार में दो जोड़ दीजिए छः आ गई, छः में चार जोड़ दीजिए 10, 10 में चार जोड़ा 14, 14 में छः जोड़ा 20, 20 में 10 जोड़ा 30, और 8 38, और 5 43, और 4 47, और 2 49, और 1 50। तो इससे आपको ये भी पता चल गया कि n इज इक्वल टू 50 है, और इससे आपको वर्ग अंतराल के हिसाब से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी पता चल गई। अब फॉर्मूले में रख दीजिए, वन इज इक्वल टू क्या है, एल प्लस आई एन अपॉन 4 माइनस कम एफ आई अपॉन एफ क्यू। तो ये क्या, एन क्या है 50/4 है ना, एन क्या है 50, और 50/4 क्या आएगा 12.5। तो हमको देखना पड़ेगा ये 12.5 किस में आ रहा है, तो देखिए आप 12.5 किस में आ जाएगा, इसमें आएगा क्योंकि ये तो 10 है, यानी कि 12.5 इसमें कहीं आएगा ना, यहाँ तो 10 तक ही है, यानी 10 ये 14 है, तो 12.5 यानी कि ये वाला जो है हमारा क्वार्टाइल का रेंज हो गया 160 से 164। और हमको चाहिए क्या होता है लोअर लिमिट, और ये 160 से शुरू है तो लोअर लिमिट क्या होगी 159.5। तो नेक्स्ट वाले में आ जाइए, एल क्या हो गया 159.5 हो गया, ठीक है। अब हमको निकालना है आई, तो आई क्या है एफ आई इज इक्वल टू 10 क्यूमुलेटेड स्कोर्स अप टू इंटरवल कंटेनिंग एफ क्यू इज इक्वल टू 4। अच्छा देखिए आपका एफ क्यू क्या है, इसका एफ क्यू 4 है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 4, तो आपको एफ क्यू पता चल गया। सी एम एफ क्यू क्या होगा 10, क्योंकि इसके पहले तक इस मतलब जो आपका क्वार्टाइल वाला वर्ग अंतराल है उसके पहले तक की संचयात्मक आवृत्ति चाहिए, तो ये 10 हो गया। तो सारे मान हमको धीरे धीरे पता चल गए, कैसे पता चले, आई क्या था वर्ग अंतराल ना, अब ऐसे ही मोटा मोटा आपको पता चल जाएगा, चार है तो वर्ग अंतराल 5 है, चार का अंतर है तो वर्ग अंतराल 5 होगा, 5 का अंतर है तो वर्ग अंतराल 6 होगा, इस तरह से होता है ना। तो 159.5 आपका एल हो गया, आई क्या है 5 है, एन अपॉन 4 क्या है 12.5 है, कम एफ आई क्या है उसके पहले तक की संचयात्मक आवृत्ति 10 है, और बटे 4 करेंगे तो आपका 162.662 आ गया आंसर, ठीक है। तो Q1 की वैल्यू आ गई 162.62। इसी तरह से Q3 निकाल लीजिए, ये क्या होगा जस्ट इसका तीन पूरा मान वही होगा, बस उसमें 3 आ जाएगा, क्या L प्लस आई इंटू 3n/4 माइनस कम एफ आई होना चाहिए था, ये एफ एल हो गया सॉरी, हाँ फिर एफ क्यू 3/4n इज इक्वल टू, तो बस अब निकाल लो सारे मान पता है, बस यहाँ 3n हो गया है, यहाँ पे n अपॉन 4 12.5 था तो इसमें 3 से गुणा हो जाएगा, 12.5 में 3 से गुणा हुआ तो 37.5 हो गया, बस सारे मान वही हैं। अच्छा संचयात्मक आवृत्ति और बदलेगी है ना। अच्छा, एक सेकेंड, एक चीज बताने से रह गई, चूंकि प्लीज दरवाजा बंद करके जाओ, 3n/4 है ना, तो 3n/4 37.5, तो हमको देखना पड़ेगा 37.5 किस में आ रहा है, तो 37.5 इसमें आ रहा है ना, 38 ये 30 ये, तो इस बार हमारा क्वार्टाइल का जो क्लास इंटरवल है वो बदल जाएगा, 175 से शुरू हो रहा है तो हमारी निम्नतम सीमा क्या हो जाएगी 174.5, तो ये आपकी आ गई 174.5, ये चेंज होगा, सारे ही मान चेंज जाएंगे। सॉरी सॉरी यहाँ मैं थोड़ा सा दिक्कत गड़बड़ बताया मैंने, यहाँ तो मतलब फॉर्मूले में तो 3n/4 है, लेकिन इससे हमको पता चलेगा कि वर्ग अंतराल कौन सा वाला हमको लेना है, 12.5 से पता चला था कि 160 वाला लेना है, 37.5 से पता चल रहा है कि 175 से 189 वाला लेना है, तो सारे मान बदल जाएंगे। इसका एल क्या हो गया 175 से शुरू है तो एल क्या है 174.5 है, फिर इसके पहले की संचयात्मक आवृत्ति देख लीजिए, इसके पहले की संचयात्मक आवृत्ति 30 है, इसकी आवृत्ति क्या है 8 है, ये मान बदलेंगे बाकी मान वही रहेंगे। तो यहाँ पर हो गया 174.5, आई तो वही रहेगा 5, 37.5 में से यहाँ पे संचयात्मक आवृत्ति यहाँ 10 थी, यहाँ 30 हो गई, यहाँ 5 था 4 था जो भी था, यहाँ 8 हो गया, और ये मान आपका निकल के आ गया। तो अब Q3 का मान भी आपको पता है, Q1 का मान भी पता है, तो Q आप आराम से निकाल सकते हैं, कैसे निकलेगा, Q3 में से Q1 घटाइए और जो भी मान आ रहा है उसको 2 से भाग दे दीजिए, तो 8.28 आया। दस द क्वार्टाइल डेविएशन फॉर द अबव डेटा इज 8.28। ये तो बात चल रही है ग्रुप्ड डेटा के लिए जब आपको वर्गीकृत आंकड़े मिलते हैं, अब बात करते हैं अवर्गीकृत आंकड़े जब आपको मिलते हैं, फॉर्मूला तब भी वही लगेगा Q3 - Q1/2, वेयर Q1 एंड Q3 आर द फर्स्ट एंड द थर्ड क्वार्टाइल्स ऑफ द डेटा, हमको पता चल गया,
और इसीलिए कह रहे हैं कि जो सेकेंड क्वार्टाइल होता है वही मीडियन है एक तरीके से, है ना। और कोफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन भी आप निकाल सकते हैं। देखिए ये सारे फॉर्मूले और ये सारी चीजें आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत आसान है, बहुत पूछी जा सकती है। क्यों? क्योंकि छोटा सा आपको कैलकुलेशन करना है, आपको Q1 दे देगा, Q3 दे देगा, आपसे क्वार्टाइल डेविएशन पूछ लेगा। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, Q3 - Q1/2। आपको Q1 दे देगा, Q3 दे देगा, कोफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन पूछ सकता है। तो फॉर्मूला तो पता होना चाहिए ना कि Q3 - Q1/Q3+Q1, और आप निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, आपको मान लीजिए कि ऑप्टेंट्स को दे रखा है ये इतने अंक, तो क्या करेंगे, पहले डेटा को आप असेंडिंग ऑर्डर में लगा लीजिए, बढ़ते हुए क्रम में। तो लगा लिया आपने 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, ये डेटा है। तो Q1 कैसे निकाला जाता है, N+1/4th पोजीशन। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 है, n बराबर 11 है, तो 11+1 यानी कि 12, 12/4 यानी कि तीसरी पोजीशन। तीसरी पोजीशन पे क्या, कौन सा अंक है, 1, 2, 3, तीसरी पोजीशन पे है 25। तो पहला क्वार्टाइल क्या हो गया, 25 हो गया। उसी तरह से Q3 निकाल लीजिए, Q3 में भी सेम फॉर्मूला है, बस 3 N+1/4 हो जाएगा, क्योंकि तीन गुना है ना, मतलब थर्ड पोजीशन पे है उसके ना। तो N+1/4 तो क्या है, 11+1/12/4 यानी कि 3, तो 3 × 3 यानी नवी पोजीशन पे। तो नवी पोजीशन पे कौन सा अंक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी कि 34वां। और तो फिर क्यू, ये तो अभी आपका Q1 और Q3, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा कि Q1 Q3 निकाल दिया काम खत्म। क्यू तब निकलेगा जब Q3 में से Q1 को घटा के 2 से भाग देंगे। तो Q3 - Q1/2, Q3 34 है, Q1 25 है, 34 में से 25 गया 9, 9/2 = 4.5, 4.5 आंसर आएगा। इस तरह से आप अनग्रुप डेटा के लिए निकालेंगे, क्योंकि आपको सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके ये फॉर्मूला लगाना है। देखिए खुद भी समझ लीजिए कि आपको हमेशा यही करना है कि फोर्थ पोजीशन पे N/4 और 3 N/4 यही तो निकालना है, लेकिन वहां चूंकि वर्ग अंतराल होता है इसलिए आपको लोअर लिमिट, वर्ग अंतराल, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी, ये सारे फॉर्मूले में जोड़ने पड़ते हैं। बाकी तरीका एक ही है। तो ये वाली स्लाइड पहली होनी चाहिए थी, और फिर ये वाली स्लाइड होनी चाहिए थी फॉर ग्रुप डेटा, फिर आपकी ये। तो ये इस तरह से चलेगा। तो अनग्रुप डेटा के लिए N+1/4th पोजीशन Q1 है, और 3 N+1/4th पोजीशन Q3 है। तो Q3 - Q1/2 = QD, क्वार्टाइल डेविएशन। और इसके लिए भी फॉर्मूला Q3 - Q1/2 ही है, लेकिन Q1 का मान L+I (N/4 - cumulative frequency/frequency of that very class interval, और Q3 का मान Q3 = यही, यहाँ पे भी यही है L+I, बस यहाँ N/4 की जगह 3 N/4 हो जाएगा। और जैसे ही 3 N/4 होगा आपका वर्ग अंतराल बदल जाएगा, इसलिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी के मान बदल जाएंगे, और लोअर लिमिट का मान बदल जाएगा, आई का मान सेम रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वार्टाइल डेविएशन निकाल सकते हैं ग्रुप्ड डेटा के लिए और अनग्रुप्ड डेटा के लिए भी। तो फॉर्मूला याद करना है आपको Q3 - Q1/2, दिस इज इम्पॉर्टेंट, और बहुत पूछा जाता है। और अब तो कोफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन Q3 - Q1/Q3+Q1, तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, कंसेप्ट पता होना चाहिए, तब आप सही। क्यों मीडियन जो है वो Q2 है, क्यों, क्योंकि मीडियन क्या है, 50th पोजीशन, और हमने इसको 25, 50, 75 करके बांटा है, तो Q2 = median है। ठीक है, सो इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड हाउ टू कंप्यूट क्वार्टाइल डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड डेटा। सो थैंक यू, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। आई हैव डन फ्रॉम माय साइड।